एक योहन्ना दूसरा अध्याय का 28 वचन आज मनन करेंगे। पढ़ना एक योहन्ना 2:28। ये बालक को उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो हमें याव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। देखिए, बने रहो, बोले बने रहो, जब वो प्रकट हो हमें याव हो, हमें लज्जित न हो। जब परमेश्वर प्रकट होंगे हमें याव होना है, हमें लज्जित नहीं होना है, इसके लिए बने रहना है। क्या रहना है? बने रहना है। मतलब आपको परमेश्वर पिता ने आपको यीशु के साथ जोड़ दिए हैं, उनके लहू के कारण शुद्ध करके नया बनाकर उसके साथ जोड़ दिए हैं। अभी ये जोड़ने का काम हम नहीं कर पाए, पास्टर नहीं कर पाए, कोई कलीसिया नहीं कर पाए, लेकिन यीशु मसीह के लहू से ये चीज़ हो गई। होने के कारण अब कलीसिया में आए हो, थोड़ा बहुत प्रभु का प्रेम तुमको खींचा है, किसी के द्वारा यहाँ बुलाए गए आप आए हो, तभी तो आप प्रभु के साथ जुड़े हो। तो मेरे भाई बहन, परमेश्वर आने वाले हैं, आने के लिए तैयारी चल रहा है। हम बुधवार में हम मनन कर रहे थे कैसे आएंगे, स्वर्गदूत की आवाज़ आएंगे, परमेश्वर की आवाज़ आएंगे, तुरी फूकेगी और आकाश में से प्रभु खुद आएंगे, दूसरों को नहीं भेजेंगे, वो खुद आएंगे और आकाश में आकर मध्य आकाश में रहेंगे और हमको रूपांतर बनाकर लेके जाएंगे। तो उस दिन में लज्जित होना मतलब ठीक नहीं है, उस दिन में या होना ठीक है। क्या ठीक है? लज्जित होना ठीक है, या होना ठीक है, या होना चाहिए। इसके लिए बने रहो, इतना साल बने रहे, हाँ 10 साल बने रहे, 20 साल बने रहे, आगे थोड़ा साल रुको, हाँ 40 साल बने रहे, प्रभु में इतने साल रहा है कि नहीं, तो बाद में चोट के जाना ठीक नहीं ना, हाँ ऐसा करना ठीक नहीं। तो परमेश्वर कहते हैं बने रहो, मुझ में बने रहो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ, हाँ आत्मिक पति भी हूँ, सब चीज़ है हमारे लिए, उससे बने रहो, जुड़े रहो। मेरे भाई बहन बोलते लज्जित नहीं होना है, उसके समूह में हमें यह होना है बने रहने के लिए। आज 4 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, हमें उसके वचन में बने रहना है। किस में बने रहना है? परमेश्वर के। किस में बने रहना है? प्रभु के। प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। तो एक योहन्ना 2:24 पढ़ते, एक योहन्ना 2:24 पढ़ना। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम्हें बना रहा है, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम्हें बना रहा है, तुम भी पुत्र में पिता में बने रहोगे। आपको बना रहना पिता में, पुत्र में बना रहना है। यहाँ कहते हैं जो कुछ तुमने आरंभ से सुना, आरंभ से सुना, यीशु मसीह ने सुनाया, उसके चेले लोगों ने सुनाया, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इन बातों में बने रहो, पवित्र वचन में बने रहो। बोलते उसमें बना रहोगे तो क्या होगा? तुम बना रहोगे, तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। प्रभु में बने रहना है तो हम आरंभ से सुना हुआ उस वचन में बने रहना। आज कोई नया नया लोग आके कुछ नया चीज बोलेंगे, आज कुछ थोड़ा साल पहले 15-20 साल पहले एक आदमी
हाँ बोल गया, यही यीशु जी है। किसी को कोई नया कोई आदमी को बोल यही यीशु, यही भगवान है, यीशु जी आ गए हैं, यही है। कोई मैत्रेय मैत्रेय ऐसा कोई नाम था उसका, बोले यही हिंदू लोगों का कृष्णा भी यही है और मुसलमान लोगों का आने वाले नबी भी यही है और यहूदी लोगों के मसीहा भी यही है, क्रिश्चियन लोगों के यीशु भी यही, यही मनुष्य करके झूठ मूठ का जो दिन लगाया। बाद में चुपचाप हो गए, कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। उसके पीछे जो पैसा डाले जो लोग हैं सब भरमाए गए। तो देखिए आरंभ से सुनाए गए, यीशु जी ने बोला अगर कोई नाम से बोलेंगे यहाँ यीशु है वहाँ भागने का नहीं, हाँ यहाँ बोलेंगे वहाँ आ गए यीशु जी। यीशु जी बोल के नहीं आएंगे मालूम है आपको, दुनिया का तो पता ही नहीं, वो तो बता रहे हम आ गए ऐसा पता ही नहीं चलेगा, टीवी में नहीं आएगा कहीं नहीं आएगा। यीशु जी पहले अभी कैसे आएंगे बोले, गुरुवार बुधवार को बताए थे ना कैसे आएंगे, चुपचाप आएंगे ना, हमारे लिए तो रिपोर्ट होगा हमारे दूसरे लोगों की कुछ भी सुना नहीं, उनके लिए चोर के समान आएंगे। तो इसलिए आराम से सुना, इसी को बने रहो। जो आप नया नया कलीसिया में आए उस समय में आपने हमसे सुने होंगे, अभी दूसरे ट्रैक में मत पकड़ो। कोई लोग नया से आएंगे हमारा बात मानकर बराबर चलेंगे, बाद में अपना कोई ट्रैक लेंगे। आराम से जो आए हैं उससे चंगाई भी पाए, उससे आशीष भी पाए, सब पाए, बाद में दूसरा कोई इधर उससे कोई बता दिए इसके वजह से हटे गए। क्या हमारा इसमें से आप आए तो आपको आशीष नहीं मिले, परमेश्वर को प्रेम नहीं मिले? हाँ सही मार्ग में आए तो आशीष क्यों नहीं मिले? इसको छोड़कर दूसरे जगह में दूसरे ट्रैक नहीं पकड़, दूसरा ट्रैक नहीं पकड़, दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही मार्ग है। तो आराम से सुना उस वचन, तुम्हें बना रहना है। तो उसमें एक योना 3:24 पढ़ते हैं, इसके आगे एक योना 3:24 उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, मानता है, बोलो पढ़ो, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है जो उसमें वह उनमें बना रहे। देखिए हम उसमें बना रहेंगे, हाँ वो हमारा में बना रहेगा, कैसा है वो हम में हम उनमें, ठीक है आगे। बना रहता, कैसे पता चलेगा प्रभु आत्मा में बना रहता है कि नहीं? बोलते अगर हम उसके वचन को मानता है, आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की वचन को मानता है, जो आरंभ से सुना उसको मानता है, इसी में रहता है, तो उसमें वो बना रहेगा, वो उसमें रहेगा। आपके अंदर यीशु, यीशु के अंदर आप, बोले मेरे अंदर यीशु, यीशु के अंदर मैं, मेरे अंदर यीशु, यीशु के अंदर मैं, यही रहना चाहिए। बोलता है यही मेरे जिंदगी भर रहना है, इसके लिए उसके बातों को मानो। बोलते अगर हम उसके बातों को मानते हैं, हम जानते हैं हमारा अंदर, हमारा अंदर कैसे पता चलेगा? आत्मा में जो आत्मा दिए हैं वो आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देगा, उनका आत्मा हमारा आत्मा में गवाही देगा तुम मेरे संतान हो। तो ये चीज है समझ में आना चाहिए, हम परमेश्वर में बना रहना है, उसके वचन में बना रहना। यीशु मसीह ने योहन्ना 15 में 7 वचन में इस तरह से बताते हैं, योहन्ना 15:7 पढ़ना, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। अभी सब लोग बोलेंगे प्रभु से जो भी मांगूंगा मुझे मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक रहते कंडीशन, कोई भी चीज पाने के लिए कोई कंडीशन होती ना, है कि नहीं? अगर आप जाओगे आधार कार्ड बनाने के लिए कुछ मांगते हैं कि नहीं? हाँ कुछ मांगेंगे ना, प्रूफ मांगे, एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं परमेश्वर, क्या बोल रहे हैं? तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बना रहेगा, जो मांगे जो चाहो मांगो तुमको, क्योंकि वचन बना रहेगा, हम सही चीज मांगेंगे गलत चीज नहीं मांगेंगे। परमेश्वर में बना रहना है, उसका वचन में बना रहना, उसकी बातों को मानना है,
आरंभ से सुनता है उसको मानना है। अगर हम मानते आएंगे हमारे अंदर उसकी आत्मा हमको गवाही देगा, हम परमेश्वर की संतान। तो परमेश्वर में बने रहना, जुड़े रहना है, रिश्ता को बना के रखना है, उसका और भी मजबूत बनाना है। आरंभ से सुना हुआ चीजों को छोड़कर इधर उधर भटकना नहीं है। आपके मन नहीं आपको गवाही देगा, मैं आपको डालने का जरूरत नहीं। हाँ, परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मा में बोलेगा, तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा अंदर पता चलेगा मैं कुछ गड़बड़ तो कहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ तो पता चल जाएगा। तो इसलिए आत्मा की गवाही, आपके आत्मा की आवाज को सुनो, तुम बराबर उस वचन के अनुसार चल रहे कि नहीं, आत्मा कुछ गवाही देगा। ये हम बोल रहा है 15:11-12 पढ़ना, यूहन्ना 15:11-12। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ प्रभु जी क्या बोलते हैं, मेरा आनंद तुम में बना रहना चाहिए और तुम्हारा आनंद पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप में, क्या होना चाहिए प्रभु से, क्या मिलना चाहिए आपको? मेरे भाई आनंद मिलना, कितना मिलना है? थोड़ा बहुत दे दे प्रभु, छोटा मोटा प्रार्थना, छोटा मोटा टूटी फूटी, हाँ टूटी फूटी दीजिए, थोड़ा बहुत दीजिए, हल्का फुल्का दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं, मेरा आनंद तुझ में रहे, तेरा आनंद क्या रहे, भरपूर रहे। देखिए परमेश्वर जो भी हमसे, मेरे से, आपसे बोल रहे हैं, इससे आपको व्याकुल नहीं करना चाहते, आपको दुख नहीं देना चाहते हैं, आपको भटकाना नहीं चाहते हैं, आपको नरक में नहीं डालना चाहते हैं। आपसे मेरे से जो भी बातें करते हैं उससे आपको आनंद देना चाहते हैं, भरपूर आनंद देना चाहते हैं, और आपको भलाई करना चाहते हैं, आपका जीवन अनंत जीवन देना चाहते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? आनंद। इसके लिए बातें कर, मेरा आनंद तुम मेरा है, तुम्हारा क्योंकि उसका आनंद रहेगा तो हमारा तो भरपूर ही है। अभी देखो मैं समझाता हूँ, बड़ा टैंकी है, बहुत बड़ा टैंकी, इसका वास में समझ रहे हो, यहाँ तो पता नहीं, टैंक तो है ना मेरे घर में, ऊपर का टैंकी रखा है, कहीं है कि नहीं है। तो उस टैंकी में से सीधा आपके घर का टैंकी में पाइप लगा दिया सीधा, वो तो सपोज पूरा भरा रहेगा, आपका टैंकी भी हमेशा भरा ही रहेगा। बस एक फुटवा एक फ्लोट वाल डाल देने का था, अभी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यही प्रभु जी बोलते हैं, मेरा आनंद से जुड़ जाओ, तुम्हारा अंग कमी नहीं होगी। थोड़ा बहुत कमी हो गया तो भी ऑटोमेटिकली भरपूर रहेगा, कटोकट पूरा रहेगा हमेशा। इसलिए बोलते हैं आनंदित रहो सदा, आनंदित रहो, कीर्तन करो, आनंदित रहो, आनंदित रहो सदा, आनंदित रहो प्रभु में सदा, तू आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो प्रभु में सदा, तू आनंदित रहो, आनंदित रहो सदा, आनंदित रहो। मैं फिर कहता आनंदित रहो, कैसे आनंदित हो पाएंगे वहां? उस आनंद से हमें आनंद मिलेगा। दूसरे लोगों का अपना आनंद बांटेंगे नहीं, दूसरा आदमी देखो बोलेगा मेरा बर्थडे पार्टी है, आओ दारू पीते हैं, उसके आनंद में जाके आनंद करोगे, आनंद थोड़ा देर में निकल जाएगा, दूसरे के आनंद से नहीं मिलेंगे। आपको परमेश्वर का आनंद चाहिए, इसके लिए क्या करना है? 12 वचन पढ़िए, यूहन्ना 15:12। मेरी आज्ञा ये है, प्रेम रखो। देखो उसकी आज्ञा है हम एक दूसरे से प्रेम रखना, क्योंकि उसकी आज्ञा में मना रहना, उसके वचन में मना रहना, तो हमारे लिए आनंद है, आनंद की भरपूरी है, हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद यीशु देता है। जो कोई परिस्थिति हो, मुझे प्रभु में भरोसा में आनंदित रहना है,
प्रभु के भरोसा में उसके पास छोड़ देना। बाइबल कहता है संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुझे सहायता करूंगा, तू मेरी महिमा करोगे। क्या बोल रहे प्रभु जी, संकट के समय में मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करोगे। यीशु जी कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, और संकट के समय में बोलते हैं सहज से सहायता मिलने वाला है, आसानी से सहायता देने वाले परमेश्वर है। कैसे सहायता मिलेगा? आसानी से मिलेगा, विश्वास करो, आसानी से सहायता आपको मिल जाएगा। बने रहो उसका वचन में, बने रहो उसकी बातों में, बने रहो उसकी बातों को मानो। बोलते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम लोग प्रेम में रहना है। दूसरी बात है प्रभु में बना रहना है, वचन में बना रहना है, वचन के द्वारा दिया गया सच्चाई विश्वास में बने रहना। विश्वास, बोले विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे। जो विश्वास में बने रहने के लिए बोलते हैं, जो बाइबल जो बताती है उस वचन का ज्ञान आपको चाहिए। यूहन्ना 4:14-15 में पढ़ते हैं हमें कैसे प्रभु में बना रह सकते। यूहन्ना 4:14-15 पढ़ना। हमने देख भी लिया, गवाही देते हैं कि उदारकर्ता करके भेजा है। किसने किसको भेजा है? पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। क्या करके भेजा है? दंड देने के लिए भेजा है क्या? बोलो, उद्धारकर्ता करके भेजा। किसने भेजा है? पिता परमेश्वर ने। किसको भेजा है? पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा है। ये कौन बता रहे हैं? हमने देखा, हमने देख लिए और गवाही देख करके बोलने वाला। ऐसे जो बाइबल की चीज ऐसा नहीं है, ऐसे सपने से लिखती है, कोई स्वर्गदूत बोल दिया लिख दिया, ऐसा नहीं है। कभी कभी स्वर्गदूत के दर्शन देख के शैतान भी लिखवा सकते हैं, कुछ दूसरे धर्म के किताब के बारे में बोलते हैं ऐसा स्वर्गदूत नहीं देखा। ये चीज ऐसा नहीं, खुद देखा ये लोग और सच्चाई गवाही दे रहे हैं। पिता ने पुत्र को जगत के उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है उसको। तो ये पढ़ना 15, जो कोई ये मान लेता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, वह परमेश्वर में। क्या विश्वास करना है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या विश्वास करना है? यीशु परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है। इसको जो विश्वास करेंगे परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर उसमें बने रहेंगे। देखिए, वचन में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, बातों को मानोगे, प्रभु में बने रहोगे। बने रहने की बात चल रही है, हट जाने की बात नहीं चल रहा है, प्रभु में बना। बस देखो, हम ये नहीं चाहते सब हमारे ही ठीक है, जरूर जुड़ जाएंगे हमारा पास प्रभु के, हमारा द्वारा प्रभु में आएंगे, हमारा साथ जुड़ जाएंगे। बाकी भी विश्वासी लोग है, अपना अपना कलीसिया में बना रहेगा, लेकिन जहां पर भी रहेंगे प्रभु में बना रहना चाहिए। ऐसा कलीसिया में जाना चाहिए जहां पर आपको प्रभु में बना रहने के लिए मौका मिलेगा, प्रभु का सच्चाई वचन मिलेगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु जगत का उद्धार करता है, वही प्रेमी प्रभु है, उसका वचन सच्चा है, उसका आनंद सच्चा है, उसका शांति सच्चा है। परमेश्वर सच्चाई आनंद और शांति देता है। इस बातों को जहां पर भी प्रचार होगी वहीं पर चलना है, रहना है, ताकि प्रभु में बने रहो, आखिर में प्रभु में बने रहो। कुछ लोग कुछ कलीसिया में जाएंगे, लोग गले लगा देंगे, चुम्बन दे देंगे, हाँ कुछ छोटा मोटा कुछ दो तीन चीजों भी दे देंगे, उसके लिए भागते रहे, लेकिन वहां जाके प्रभु में रहे तो ग्राहक पाते हैं प्रभु में, आगे बढ़ वो नहीं देखेंगे। प्रभु में बना रहना, आखिर में क्या सब हट जाएगा?
जब प्रभु जी आगमन आएगा ना, उसके बाद सब माने नहीं रहेंगे। हम अपना पत्नी बेटे बेटी किसी को हम नहीं देखने वाले, कलीसिया वालों को भी हम नहीं देखने वाले। मेरे भाई बहन, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम अब उस समय आपको मैं नहीं देख सकता, आप किसी को उठा के भी मैं जाने को, ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो आप सबको पॉकेट में रख के मैं आगमन में चला जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं प्रभु के साथ रहेंगे, आप प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु में बने रहो। अपना अपना, हमारा बड़ी लोग भी हो, उसको भी मेरा जिम्मेदारी थोड़ा बहुत ही रहता है, लेकिन प्रभु में बने रहना अपना अपना जिम्मेदारी है। मेरा पत्नी का मैं चौकीदार नहीं, वो मेरा चौकीदार नहीं है, ठीक है, हम प्रेम से देखते रहेंगे, एक दूसरे को ख्याल रखेंगे, लेकिन ज़्यादा जासूसी भी हम नहीं करते। अपना अपना मन से प्रभु में बने रहो। अगर मैं आपके रूम में CCTV लगा दूँ, देखते रहो क्या कर रहे हो, हाँ ये मैं करता रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा, मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकते। परमेश्वर करेंगे सब चीज़, सारे सब लोगों का अंदर की बातें क्या क्या हो रहे सब प्रभु का रिकॉर्ड में है, प्रभु का पुस्तक में है, प्रभु का मेमोरी में सब कुछ है। जब वीडियो डालेंगे ना पता चल जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई बहन, जो भी गलत चीज़ हो गया डिलीट करा दो, प्रभु तेरे लहू से धो दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो फाइल वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। वो रखे रहेंगे, बार बार उसी में रहेंगे तो फाइल पड़ा रहेगा। तो इसलिए मेरे भाई बहन, प्रेम में बने रहो, प्रभु के वचन में बने रहो, विश्वास में बने रहो। तीसरा चीज़ है, प्रभु का वचन चाहिए, प्रभु का विश्वास चाहिए, तीसरा चीज़ प्रभु की आत्मा चाहिए। बोले प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन, प्रभु पर विश्वास, प्रभु का पवित्र आत्मा। देखिए, पवित्र आत्मा के बगैर हम परमेश्वर के साथ वो रह बने नहीं। यीशु इसलिए बोला, मैं जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, उसके द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ही आपके अंदर निवास करेगा। तो बोलते आत्मा में बने रहो, आत्मा में चलो। शारीरिक विचार नहीं है, आत्मिक विचार। शारीरिक बात नहीं है, आत्मिक बात। शारीरिक सोच नहीं, आत्मिक सोच। शारीरिक चाल चलन नहीं, आत्मिक चाल चलन। तो कहते हैं आत्मा में चलो। तो हम पढ़ते हैं एक योहन्ना 4:13 पढ़ लेते हैं। एक योहन्ना 4:13, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, वह हम में, क्योंकि उसने उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है, उसने अपने आत्मा में से हमें। इसलिए हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, वह हम में। पता चलेगा, मैंने बोला आपके आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा गवाही देगा। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में देता गवाही, में प्रभु का संतान। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में देता गवाही, में प्रभु का संतान। संतान है तो वारिस है, मसीह की संगी वारिस है। संतान है तो वारिस है, मसीह के संगी वारिस है। नई सृष्टि यीशु मसीह है, नई सृष्टि है, नई सृष्टि यीशु मसीह है, नई सृष्टि। पुरानी बातें है, देखो सब नई हो गई, पुरानी बातें देखो। वचन में बने रहोगे, विश्वास में बने रहोगे, आप आत्मा में, क्योंकि वचन में बार बार आत्मा के विषय में बताते हैं। नया नियम की कलीसिया में आ गए,
केवल बोलना ये नहीं, मैं पवित्र आत्मा का विश्वास करता हूँ, इतना कम ही नहीं। पवित्र आत्मा का विश्वास करते हो इतना कम ही नहीं। पवित्र आत्मा में बने रहो, आत्मा से भर कर आराधना करो, आत्मा की दान वरदान को पाओ, आत्मा की फल दिखाओ, आत्मा में बने रहो। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देते रहेगा, कुछ भी गड़बड़ होएगा आत्मा तुरंत आपको रेड लाइट डाल देंगे। रेड लाइट जब जा रहे हैं ट्रैफिक, रेड लाइट आ गया तो क्या करना पड़ता है, हमें रोकना पड़ता है। ग्रीन लाइट आएगा तो वैसे हमारे अंदर में आत्मा देगा गवाही, हम जानते हैं, बोलते हैं हम जानते हैं, क्योंकि हमारा अंदर आत्मा पवित्र आत्मा गवाही देता। तो बने रहना है पवित्र आत्मा में जरूरी है। एक योहन्ना 3 का वो पढ़ लिया हम लोग, एक योहन्ना 3 का 24 भी पढ़ना, उसकी आज्ञाओं को मानता वो पढ़ो, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसमें और बना रहता है बना रहता, वही यहाँ पर भी वही बता रहे, वो आत्मा हमारे अंदर रहते हुए हमको पता चल जा है हम परमेश्वर की संतान। वो हमारे अंदर आत्मा की सामर्थ्य कार्य करना चाहिए, आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। गलातियों का किताब 5:25 पढ़ लीजिए, 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के अनुसार चले भी, यहाँ लिख रहे हैं कोई लोग बोलेंगे नहीं चलता हूँ, यीशु से जीवित हूँ, यीशु से चल रहा हूँ, उसे जीवित है तो उससे उसके समान उसके साथ चलना भी। यहाँ लिख रहा है अगर आत्मा से द्वारा जीवित है आत्मा के अनुसार चलना है, बोले आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलना है। एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण, जैसे सपोज करो मैं नौकरी में कर रहा हूँ, कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अभी सेवा कर रहा हूँ, पहले नौकरी कर रहा हूँ, तो कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ तो उसमें मुझे पगार देता है, बोनस देता जो भी देता है, तो उस पैसे से मैं जीवन गुजारता हूँ, उसके द्वारा वो जिस पगार मिल रहा है उसके द्वारा परिवार चल रहा है, कच्चा पानी निकल जा रहा है उसके द्वारा। अब वो जिस से पगार मिल गया बाद में बाय बाय, एक तारीख है पगार ले लें चुपचाप, मेरे को आपसे कोई संबंध नहीं है, नौकरी में नहीं आता, ऐसा चलेगा? हाँ ऐसा कोई है महीना महीने पगार लेने के लिए जाएंगे बाद में घर में सो जाएंगे? उसके अनुसार चलना भी है ना भाई, कंपनी के द्वारा आपको पगार मिल रहा है, कंपनी के अनुसार चलना होगा। बोलेगे 9 बजे का टाइम है, 9 बजे के बाद जाओगे आपको ये वहाँ पर टिकट मिलेगा, बता देंगे लेट आए इतना दिन, तो वहाँ एंट्री हो जाएगा, वहाँ अनुसार उसके अनुसार उसके यूनिफॉर्म होगी, सेफ्टी शू होगी, सेफ्टी हेलमेट होगी, हाँ उसके हिसाब से नौकरी है, उसके हिसाब से लंच टाइम है, जो भी टाइम है टी टाइम जो भी है उसके अनुसार चलना, क्योंकि उसके द्वारा, इसलिए वो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पगार दे रहे हैं। यहाँ लिख रहे आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, आत्मा के द्वारा हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं, आत्मा के द्वारा चंगाई मिलता है। कुछ लोग सोच रहे सब चंगाई वैसे ही कुछ जादू से यहाँ मिल जाता है, नहीं लोग मालूम नहीं, पवित्र आत्मा आपके आत्मा पर टच करता है, वहां से आपके शरीर में चंगाई आत्मा के द्वारा सब होता है। मनुष्य के अंदर आत्मा प्राण शरीर 3 चीज है। यूट्यूब में मैंने मैसेज भी भेजा था सब लोगों को, यूपी में जब प्रचार किए थे, सुन लो उसको, है ना, आत्मा प्राण शरीर। तो परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के द्वारा सारे नदियां, बोलते आत्मा द्वारा हम जीवित है, आत्मा के अनुसार चलना, वहां से हमको पगार मिल रहा है, वहां से हमको आशीष मिल रहा है, वहां से हमें चंगाई मिल रहा है,
सब उससे पाने के बाद नहीं 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 बस आपसे लेने का ही मतलब था, आपके अनुसार मैं चलूंगा नहीं, हाँ चर्च वर्च नहीं जाऊंगा, हाँ दानवान कुछ नहीं, मैं कुछ ऐसा सेवा का कुछ नहीं करूंगा, बस मिलते रहना चाहिए, मैं तो कुछ भी ऐसा चलेगा, पर उसके द्वारा जीवित है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे कंपनी के द्वारा पगार मिल रहा है, कंपनी के अनुसार मुझे उस नियम को करना पड़ेगा। यही लिख रहे हैं, आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के अनुसार चलना भी है। 16 वचन गलातियों 5:16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। किसी रीति से आत्मा में चलने वाले शारीरिक लालसा को, हाँ दोनों में एक रहेगा। मछली कहाँ रहेगा? मछली कहाँ रहेगा? पानी में रहेगा। मनुष्य कहाँ रहेगा? जमीन में रहेगा। पक्षी कहाँ रहेगा? वो अपना अपना जगह है, हाँ अपना जगह में रहेगा, अपना जगह में सुरक्षित। एक बार मैं दीव में एक पक्षी देखा था, पक्षी क्या किया, मुझसे लेने के लिए नीचे आया हुआ कीड़ा कीड़ा खाने के, मेरे को देखा ही नहीं दिया। एक कुत्ता नहीं तो बिल्ली, मैं देखा नहीं, याद नहीं लगता, कुत्ता ही लगता है। कुत्ता क्या किया, वो पक्षी को फटाफट जाकर पकड़ लिया, पकड़ के खा लिया। पक्षी को कहाँ रहना चाहिए? नहीं तो इधर आते तो ध्यान से देखना चाहिए, हम तो दुनिया में रहना पड़ता हमको, लेकिन ध्यान से रहना पड़ता, क्योंकि हमको पकड़ने के लिए कुत्ता जैसे शैतान। हम तो स्वर्ग राज्य में रहते हैं, हम स्वर्ग स्थान में बैठे हुए, हमको परमेश्वर आकाश मंडल बुलाए, पवित्र स्थान में बुलाए, तो हम यहाँ पर हमको रहना पड़ता है, कभी जरूरत भी पड़ता है, दुनिया में रहते हैं, लेकिन शारीरिक अनुसार नहीं चलना। तो ऐसे ध्यान छोड़ के नहीं, हमको ध्यान से रहना पड़ता है, अपना बाड़ा बांध के रखना पड़ता है परिवार में, कलिसिया में। हाँ परिवार में कोई भी घुसते रह जाएगा, बच्चों को क्या सुरक्षा रहेगा, देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, अपने बाड़ा बांधना है। हाँ एक मिनट में पक्षी को कुत्ता पकड़ लीजिए, तो ऊपर उड़ने वाले, लेकिन अपने जगह पर नहीं रहना। इसलिए बोल रहे आत्मा के अनुसार चलो, शारीरिक लालसाओं को किसी रीति से मतलब करोगे ही नहीं, कर ही नहीं पाओ, वहां रहोगे भाई, आसमान में उड़ेंगे तो जमीन में नहीं रहेंगे, जमीन में रहेंगे तो आसमान में, दोनों में एक ही है। जैसे पानी में रहेंगे तो पानी में रहेगा मछली, पानी से छोड़ कर इधर आ जाते, कभी कभी होता है ना, बोलते समुद्र के किनारे में इतने डॉल्फिन आके पड़ा है, क्या होता है, डॉल्फिन बाहर देखने आए होंगे, कम हो गए पानी का पा, और बाद में वो मर जाते। यही बात होगी मसीह जीवन में, हमको अगर आत्मा जो है उसमें हमें रहना, जैसे मछली को पानी में रहना, वैसे आत्मा में रहेंगे, थोड़ा बहुत दुनिया देखने के लिए इधर आए तो क्या हो गया, फिर श्वास लेना तकलीफ हो जाता है। इस दुनिया पूरा गंदगी से भरा हुआ है, हमारे लिए हमारा चारों तरफ आत्मा की बादल हमें चाहिए, उसी में रहना, आत्मा में चलना है, मतलब आत्मा का सूट पहनना है। आप लोग देखा कि नहीं मालूम नहीं, जो चंद्रमा में गए थे, हाँ कौन कौन गया मालूम है, पहले पाए रखा है 1969 कौन कौन गया, नील आर्मस्ट्रांग, एडवर्ड ऑल्ड्रिन, और तीसरा कौन है मालूम नहीं, हाँ आर्मस्ट्रांग को याद रहना पड़ेगा, पहला आदमी भी है। तो ये लोग क्या है, वहाँ चंद्रमा में हवा नहीं है, इसलिए अगर जाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए अपना शूट पहन लें, पूरा शूट के अंदर उसका हवा मिलेगा, हाँ जो चाहिए सब उसी के अंदर रहना पड़ेगा, तो वही में रहेगा, सुरक्षित रहेगा,
इस दुनिया में पवित्र हवा नहीं है, दुनिया में सब जगह में कचरा है, सब जगह में कचरा की बात होगी, दुनिया वाले सब कचरा बात करेंगे। तो हमको आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा के अंदर रहना, आत्मा के सूट पहन लेना। इसलिए कहीं भी जगह में आप जाओगे, नौकरी में जाओगे, दुकान में जाओगे, आपके ऊपर क्या रहेगा, आत्मा की सूट है, उसी से आपको श्वास मिलेगा। धन्यवाद। इसलिए अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना कीजिए। आत्मा में रहना है तो अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना करना। क्या करना है भाई, आत्मा में रहना तो क्या करना है बोले? अन्य भाषा में ज्यादा करते रहोगे, आत्मा के शुद्ध पहन लोगे, तो आत्मा में रहोगे, शरीर लालसाओं को किसी रीति से मतलब कैसे भी करके शैतान जितना भी कोशिश करेगा, भले थोड़ा चले भी जाओगे, वापस जरूर पवित्र आत्मा खींच लेगा, जाने नहीं देगा। हाँ, मछली कभी कभी इधर आया भी, हाँ पता चला रहे जमीन आ गया, वापस अपना जगह पे चला जाएगा, भटके हो गया, इसको पता नहीं चलता ना दिशा, समुद्र के अंदर से मालूम नहीं पड़ेगा इधर से इधर आ गए होंगे, लेकिन वापस जाने का सावधान रहना चाहिए। तो आत्मा के अनुसार चलो, तो बोलते हैं शारीरिक लालसा को निश्चय हम पूरा नहीं करेंगे। तो हम कैसे कह दूं, प्रभु का वचन में रहना है, हाँ उसके विश्वास में रहना है और आत्मा में रहना है। कैसे रहना है, आत्मा में चलना है, वचन में चलना है, विश्वास में चलना है, आखिर में प्रेम में चलना है। बोले प्रेम में चलना है, प्रेम में चलना है, प्रभु में बने रहना है तो प्रेम में चलना है, प्रेम में चलना है। एक योहन्ना चार का 11-12 पढ़ना, एक योहन्ना 4:11-12 ये प्रियो पढ़ो। हाँ, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आगे, किसी ने देखा परमेश्वर को यहाँ पर कोई? हाँ, योहन्ना लिख रहे जो यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, वहाँ वही लिख रहे परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। आगे, यदि हम आपस में प्रेम रखे, परमेश्वर हमें बना रहता है, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। देखिए, हम आपस में प्रेम रखेंगे, परमेश्वर हमें बना रहेगा। क्या चाहिए, परमेश्वर को देखना चाहिए, परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहिए, दोनों हो जाता अच्छा है पास्टर जी। लेकिन दोनों में एक ही मिलेगा, दो चीज है, दोनों में एक ही मिलेगा। देखो, देखने के लिए तो क्या है, आखिरी दिन में जब प्रभु जी आएंगे ना, बाइबल में तो दुनिया के सब लोग देखेंगे। देखने से केवल फायदा नहीं, हम देख लिए यहां से जा रहे सब लोग, ओ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दूर से देखने के लिए इतने बेवकूफ जैसे लोग खड़े थे, वो इतना फट से निकल गए गाड़ी, एक उसका दिखाई भी नहीं, ग्लास भी काला ग्लास भी बांधे, क्या दिखे ही नहीं अंदर। तो लोग देखने के लिए तड़पते, जाते ही था, जाते ही क्या बोला, यीशु जी आपको देखना चाहता हूं, गुलहर पेट में चढ़ गए, क्योंकि नाटा था, कुछ लोग नाटा भी होते हैं लेकिन प्रभु उसको स्वीकार करते। हाँ, तो प्रभु को देखना, प्रभु ने बोला भाई तुम देखना चाहते हो, मैं तो आपके अंदर रहना चाहता हूँ। यहाँ लिख रहे हैं परमेश्वर को किसी ने अभी तक देखा नहीं, लेकिन हम आपस में प्रेम रखेंगे, परमेश्वर हमें बना रहेगा और हम हमारा अंदर उसका प्रेम सिद्ध हो जाएगा, वो रहेगा, देखो प्रेम बढ़ता जाएगा, वो रहने से प्रेम बढ़ेगा, हम प्रेम में चलने से वो रहेगा, वो रहने से प्रेम बढ़ेगा। कैसा है देखो, अंडा से मुर्गी से समझ में आ गए, वो रहने से प्रेम में हम चलने से वो रहेगा, वो रहने से प्रेम और भी आगे। बोलते हैं
हम आपस में प्रेम रखेंगे, परमेश्वर में बना रहेगा। यह चीज को यीशु जी भी बोल रहे थे, योहन्ना 15 का 12 में 17 वचन भी पढ़ लेना, 16 17 भी, 1 योहन्ना 4 16 और 17। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, विश्वास है। विश्वास है आपका, परमेश्वर आपके ऊपर प्रेम कर रहे हैं, विश्वास है, जान गए हैं, जान गए ना, ठीक है। आगे परमेश्वर प्रेम है, पढ़ो, परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखो प्रेम में बना रहेंगे, परमेश्वर तुम में बना रहेंगे, तुम परमेश्वर में बना रहे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए जो प्रेम में बना रहेंगे परमेश्वर में बना रहेंगे, परमेश्वर उसमें बना रहेंगे। आगे 17, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ, हमें न्याय का दिन यह हो जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है, न्याय के दिन में यह हो। बोलते प्रेम सिद्ध होने से न्याय के दिन में यह, मतलब आगमन का दिन में भी यह होगा, न्याय के दिन में भी यह। बोलते हैं जब वो प्रकट होंगे हम यह होना चाहिए, लज्जित नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रेम हमें सिद्ध होता है, प्रेम बढ़ता जाता है। परमेश्वर हम आपस में प्रेम रखते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, हाँ उसकी आत्मा से भरे रहते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा में गवाही देता है, प्रेम हमें बढ़ता है, परमेश्वर की आत्मा प्रेम की आत्मा है। बाइबल कहता है रोमियो 5:5 में, वो हमारा अंदर दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उंडेला गया है, उस प्रेम में बने रहो, प्रभु में बने रह सकते हो। ये चीज हम पढ़ रहे हैं, तो योहन्ना 15 में यीशु मसीह भी इस बातों को बता रहे हैं, 15:12 योहन्ना 15:12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम है, हाँ क्या प्रेम आपको मिला है, हाँ क्या प्रेम है यीशु जी का प्रेम मिला है कि नहीं, क्या प्रेम आप देना है, यीशु का, यीशु का हमारा प्रेम है। देखो प्रेम होता है, जरूर माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम दो, ये वास्तव वो होना चाहिए, वो भी नहीं होते आजकल, वो भी काट गए, लेकिन वो तो दुनिया वाला है, अविश्वासी का अंदर भी होना चाहिए, विश्वासी का अंदर तो होना ही चाहिए, वो है। लेकिन यीशु का प्रेम है वो अलग है, केवल अपने बच्चों को ही नहीं, हम दूसरों को भी ध्यान रखेंगे, यीशु का प्रेम से सबको प्रेम करना, यीशु का प्रेम। बोलते मैं जैसा तुमसे प्रेम किया वो एक दूसरे से प्रेम रखना है। वो प्रेम पहले परिवार में दिखाओगे, कलीसिया में दिखाओगे, बाद में अपने अविश्वासी के बीच में भी आप प्रेम से चलना होता है, लेकिन खास करके कलीसिया में अपना प्रेम प्रकट होना चाहिए, प्रभु के बच्चों के ऊपर प्रेम देना चाहिए, अपने खास नजीक वाला को, कभी कभी नजीक वाला को प्रेम करना तकलीफ होता है, क्योंकि वो चिड़चिड़ करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, कुछ मांगते रहेंगे, कुछ पति लोग, अरे मेरे पति ने पास करते रहे, जाओ ये जाओ, भाई मांगेगी ना क्या करें, शादी करके लाए तो उसको तो आपको देना ही पड़ेगा, जो जरूरी है, ज्यादा मांगेंगे तो देख लो, लेकिन जो जो जरूरी है वो तो देते रहना, तभी तो प्रेम रहेगा, देने बगैर प्रेम नहीं होगा, ऐसे फोकट के शब्दों से पेट नहीं भरेगा ना, हाँ सुबह आया नौकरी के जाने के लिए, खाना बनाया, खाना क्या है, मैं तो आपको इतना प्रेम कर रहा हूँ, खाना के क्या जरूरी है, अरे किसी के थप्पड़ मारेगा, इतना चुम्मन देगा तभी काम, उसमें तो खाना तो पहले दे करके बाद में चुम्मन दे सकते, सच्चाई प्रेम से। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं परमेश्वर जैसा प्रेम किए है वैसे एक दूसरे से प्रेम, सच्चाई प्रेम, काम करके दिखाने वाला प्रेम, सहनने वाला प्रेम, अपना भी त्याग करके दूसरों को आशीष, वही प्रेम से प्रेम करेंगे।
प्रभु में बना रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का प्रेम सच्चा प्रेम है, उसमें बने रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का आशीष समय मिलेगा। हालेलुया, प्रभु में बने रहोगे, वो तुम में बने रहोगे, उसका दिन में लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसका दिन में आनंद से उसको मिलने जाएंगे। और ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल में बात किया, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आप में बना रहना चाहता हूँ, आप मुझ में बने रहो। हालेलुया, तेरे वचन मुझ में बना रहे। हालेलुया, तू मुझ में मैं तुझ में बना रहूं, एक डाली के समान बलता रहूं, तेरा वचन तेरा प्यार मुझ में रहे, सच्चा चेला बन के मैं पीछे चलो, तू मुझ में मैं तुझ में बना रहूं, एक डाली के समान बनता रहूं, तेरा वचन तेरा प्यार मुझ में रहे, सच्चा चेला बन के मैं पीछे चलूं। इस वचनों को याद करो, आपके अंदर आत्मा की कार्य हो रहा है कि नहीं, आपके अंदर आदि से पहले सुना हुआ वचन है, नहीं तो अभी दूसरा कोई नया नया चीज गलत से भूल गया, जो शुरू में पाया था उस वचन को छोड़कर दूसरा नकली ले लिया क्या, दूसरा गलत गलत चीजों को कहीं से गांव गांव से कहीं से कोई पास्टर ने बोला वो बोला करके तो गलत चीजों का अपने ले लिया, तो आज मन फिराओ, आज ऐसे चीजों को छोड़ो, आराम से सुना हुआ विश्वास वचन वो विश्वास बना रहना, प्रभु का वचन आज्ञा मानना, प्रभु का आज्ञा ये एक दूसरे से प्रेम करना है, उसका आज्ञा है, आत्मा आपके अंदर रहना, वचन रहना, विश्वास रहना, प्रेम रहना। और कहते हैं जैसे वो चला वैसे हमें चलना, जो कहते हैं मैं प्रभु में बना रहता हूँ उनकी जरूरी है कि जैसा वो चलता था वैसे हम लोग भी चलना, प्रेम में चलना, आत्मा में चलना, अपना निज स्थान आत्मा, आत्मिक दुनिया, आत्मिक सूट पहनना, आत्मिक पानी में आत्मिक मछली रहे, दुनिया के पानी में नहीं रहे, हमारे लिए जीवन जल की नदी प्रभु देते, मैला पानी नहीं, वो ड्रेनेज वाला पानी नहीं, जीवन जल की नदी परमेश्वर मुझे दीजिए, महिला पानी से बचा के रखिए, कभी भी समुद्र से मछली किनारे में आने लगते हैं बस जाते हैं, अपना आत्मिक दुनिया छोड़कर शारीरिक दुनिया में हम जाने लगते हैं, हमारा घाटा होता है, जो कुछ वो भी खो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु बोलते हैं मेरा आनंद तुम में रहना चाहिए, तुम्हारे अंदर भरपूर होना चाहिए, समर्पण करो, आप लोग सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना तो करो, इतना वचन सुने, अभी समर्पण प्रार्थना करने का समय, आपको प्रार्थना करने का समय, वचन के अनुसार प्रभु को जवाब दो, प्रभु को जवाब दीजिए, मुझे नहीं प्रभु को जवाब दीजिए, प्रभु मैं आत्मा में चलूंगा, प्रभु मैं वचन में चलूंगा, विश्वास में चलूंगा, प्रेम में चलूंगा, आपके जैसे चलूंगा, आपके अंदर बना रहूंगा, आपका आप मेरा अंदर बने रहो, मैं आपके अंदर बना रहूंगा, ताकि आपके आगमन में लज्जित न होना पड़े, मुझे या हो, मुझे हिम्मत हो, मेरा अंदर आपका प्रेम हो, मेरा अंदर आपका प्रेम सिद्ध हो जाए, मेरा अंदर आपका प्रेम पवित्र और भी ज्यादा बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, वचन के ज्ञान बढ़ जाए, आत्मा की सामर्थ्य बढ़ जाए, बढ़ जाए, परीक्षा में बढ़ जाए, प्रार्थना करो, आत्मा से बढ़ जाओ, सब लोग अन्य भाषा में हालेलुया, पूरा बारा 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 दूर रखा बन, धन्यवाद करो, सब लोग आत्मा में भरपूरी होकर आत्मा में स्थिर बनो, आत्मा में रहो, आत्मा में चलो, पूरा बारा 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 हालेलुया, मान जीवन की हालेलुया, रहता है मेरे अंदर, हाले महिमा की आशा तू है, पूरा बारा 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 समर्पण करके, हालेलुया, तेरे संग संग चलना है, तेरे अंदर ही रहना है, तू मुझ में रहना है,
मुझे तुझ में रहना है, तुझे मुझ में रहना है, मैं तुम्हारा संग संग चलना है, तेरे से अलग कभी नहीं होना, क्योंकि आपने कहा मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सुख जाओगे। प्रभु आपके अंदर रहना चाहता हूँ। हालेलुया, ओरा बंदूरा खबारा बारा बारा दूरा खबारा, सब लोग प्रार्थना करो, सब लोग धन्यवाद करो। हालेलुया 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 हालेलुया, समर्पण करता हूं प्रभु जी में। हालेलुया हालेलुया।